आइए मेरे मेहरबानों। अब एक बात एकदम सच्ची और सच्ची घटना से एक समाज को संदेश भी दिया गया है। बात ऐसे कि एक शादीशुदा जोड़ा अस्पताल जाता है और गर्भ की जांच कराता है। साथियों, गर्भ में बेटी पाए जाने पर एकदम उदास मुंह से दोनों घर लौटते हैं। घर आकर दोनों सलाह मिलाते हैं कि कल दोबारा अस्पताल जाएंगे और इस लड़की को मरवा देंगे, इसकी सफाई करवा देंगे। साथियों, क्या लड़कियों के अंदर जीव नहीं होता? क्या लड़कियों को इंसान पैदा नहीं करता है? और जब जन्म देने वाला ही मारने पर उतर आए तो आप सोचिए किस हद तक ये दुख हो सकता है। आज दोनों सो जाते हैं, सपने में वो बेटी दोनों के आती है और पुकारती हुई कहती है कि माँ बापू मेरी जान मत गवाइए, आप जैसे रखेंगे मैं ऐसे रह लूंगी, आपके टुकड़ों पर पल लूंगी, आपकी सेवा करूंगी। साथियों, उस बेटी की आवाज आती है कि जिन्हें हम फूल समझे थे गला अपना सजाने को वो काले नाग बन बैठे हमारे काट खाने को। किस तरह से दोनों को सपने में दिखाई देकर के रोती हुई विनती करती है बेटी, सुनेंगे। मैया मेरी मैया गर्भ में मार, मासूम का करे शिकार हो। मैया मेरी माँ, एक बेटी तेरे घर में आ जाएगी तो तेरा घर कर्जे में नहीं डूब जाएगा, दो रोटी ही खाऊंगी बस। करती नहीं विचार, हो रही आज कतल ने त्यार।
क्यों ना माता माने, मिल जा बढ़िया जब संस्कार हो जा सब सपने साकार, रीना हो वे मान पे वार, ओ मैया तेरी कोख से जन्म नहीं लूंगी, बेटा ही बस तेरी कोख से जन्म लेगा। मुझ पर एक उपकार कर दे, मुझे इस दुनिया में आने दे माँ, मुझे इस दुनिया में आने दे। बेटा तने लगेरी लाड लाना, काम वक्त पे आवे, माता पाप कमावे, हो डागर कमल महेशपुरिया कण हत्या भूण मिटावे, मार क्यों मासूम का करे शिकार।